समीर खन्ना की किस्मत अच्छी थी इसलिए वो बच गया। अगली बार वो जिंदा नहीं बचेगा, उसे मरना ही होगा। इंस्पेक्टर साहब, मुझे नहीं पता वो कौन था। उसने गोली चलाई और वो भाग गया। रात के अंधेरे की वजह से मैं उसका चेहरा भी नहीं देख पाया। ठीक है, आप जब आना चाहते हैं आप आ सकते हैं। जी। पैरों की मालिश के लिए माँ कब से इंतजार कर रही है और तुम यहाँ खड़े होकर बातें सुन रही हो? नहीं नहीं, वो तो बातें नहीं सुन रही थी मैं। वो तो मैम का मसाज ऑयल और दवाइयाँ खत्म हो गई थी तो सोचा सर को बता दूँ। मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें मसाज ऑयल और दवाइयाँ दे दे। बाहर जाने की क्या जरूरत है? दवाइयाँ ऑर्डर कर लो, घर पे आ जाएंगी। हर बार ऐसा ही हुआ है ना? हर बार तुम्हारा बीच में बोलना जरूरी नहीं है। अरे बेटा, रेनू ठीक ही तो कह रही है, फोन कर दे, दवाइयाँ आ जाएगी। माँ, आप जानते नहीं बाहर कितनी नकली दवाइयाँ मिलती है। मैं आपके हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। कामिनी देखकर दवाई लेगी, बेटर होगा। चलो। देखा ना माँ, आज इस मामूली सी नर्स के सामने भैया ने मुझे सुना दिया। क्या जरूरत थी उसको साथ में ले जाने की? कुछ ज्यादा ही मेहरबान नहीं हो रहे हैं भैया उस पर? बारे में ही सोच रहे थे, तभी तो मुझे देखकर आपके चेहरे पर ऐसी स्माइल आ गई। खोआ खुद प्यासे के पास चलकर आ जाए तो खुशी तो दुगनी होगी ना। क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? चार्ज कर दीजिए। मेरा मतलब है कि मेरा फोन चार्ज कर दीजिए, वो चार्जर कहीं मिल नहीं रहा है। तो बाहर क्यों खड़ी है? अंदर आ जा। भैया के कमरे का दरवाजा क्यों खुला है? चक्कर क्या है?
रेनु। अरे तुम यहाँ सो रही हो, तुम्हें पता भी है क्या क्या हो गया? उठो, गजब हो गया माँ। तुम यहाँ चैन की नींद सो रही हो और वहाँ कामिनी भैया के साथ। भैया के साथ? अरे चुप क्यों हो गई? पता क्या किया उस कामिनी ने? हाँ माँ, मैंने दोनों को एक साथ इस टाइम पे कमरे में जाते हुए देखा। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत करीब थे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। मुझे पहले दिन से शक था, लेकिन अब सब कुछ साफ साफ समझ आ रहा है जब मैंने उनको वहाँ जाते हुए देखा। रात को तुम्हारे जाने के बाद पूरी रात तुम्हारे बारे में सोचता रहा। नशा हो गया मुझे तुम्हारा। अरे सुबह सुबह मुंह क्यों लटकाया हुआ? क्या बात हो गई? वो कल रात को आपके कमरे से बाहर निकलते वक्त रेलू दीदी ने मुझे देख लिया था और उन्होंने आपकी माँ को भी सब कुछ बता दिया। रेनू दीदी और मैडम जी ने मुझे बहुत सुनाया। रेनू दीदी कह रही थी कि मैं यहाँ नर्स के लिए आई हूँ, तो अपने काम पे ध्यान दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कामनी से उल्टा सीधा बोलने की? समीर, ये कोई तरीका है अपनी छोटी बहन से बात करने का? और वो भी मामूली सी लड़की के लिए? माँ बीच में मत बोलिए, सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। सुनाई नहीं देता मैंने क्या कहा? सामान उठाओ, निकलो यहाँ से। देख लिया ना माँ, आज इस मामूली सी नर्स के कारण भैया मुझे घर से निकाल रहे हैं। जा रही हूं मैं, मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ रहने का। अरे रेनू रुक जा बेटा, रेनू कहीं मत जा। समीर तू ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा है, जा रोक उसे, तेरी बहन है वो, जा रोक उसे। समीर तू गुस्से में पहले भी ऐसी गलतियां कर चुका है, जा रोक उसे। मैं तो जा रही हूं भैया, लेकिन एक दिन आप अपने इस बर्ताव पे बहुत पछताओगे। समीर तू ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं। अब इस घर में तुम्हारे साथ कोई गलत बर्ताव नहीं करेगा, चाहे वो मेरी बहन हो या फिर मेरी माँ। हमारे बीच कोई नहीं आएगा, प्रॉमिस। Thank you.
क्राइम वर्ल्ड सिर्फ शेमारू टीवी पर।